नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यम्मी नाश्ता, वो भी जीरो ऑयल में। यहाँ पर मैंने एक बूंद तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया है और ये इतना टेस्टी और यम्मी नाश्ता बनाकर तैयार किया है। तो बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो कुछ ऐसा बनाकर उन्हें टिफ़िन में दिया जाए जो ये बारिश और गर्मी के मौसम में वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ और उन्हें टेस्टी भी लगे। तो चलिए कुछ ऐसा बना लेते हैं जो सभी को पसंद आएगा। और ये नाश्ता मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, मात्र 10 मिनट लगते हैं। तो अगर आपको ये टेस्टी सी रेसिपी नाश्ते की पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड को भी। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं कुछ वेजिटेबल दिखा देती हूँ। ये सिर्फ नमक से भी बनकर तैयार हो जाता है, आपको कुछ नहीं डालना है तो आप सिर्फ नमक ले सकते हो। लेकिन अगर आपको वेजिटेबल वगैरह डालने हैं तो यहाँ पर मैंने जो कट करके लिए हैं इनमें से जो भी वेजिटेबल आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है और थोड़ी सी यहाँ पर सब्जियाँ ली हैं महीन चॉप करके। अब मैं ले रही हूँ मिक्सी के जार में एक कटोरी सूजी। तो सूजी आप चाहे महीन लें या मोटी वाली लें, आपको सूजी को इस तरह से मिक्सी के जार में मतलब आपको बैटर बनाना ही है। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से सूजी ली है तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं एक कटोरी दही। दही आप अपने स्वाद के अनुसार खट्टा भी ले सकते हो और हल्का खट्टा भी ले सकते हो। तो दही डालने के बाद मैंने डाला है यहाँ पर पानी। तो अभी मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ, उसके बाद आधी कटोरी मैं बाद में ऐड करूँगी। कुल मिलाकर इसमें एक कटोरी पानी लग जाता है एक कटोरी सूजी में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आधी कटोरी पीसा था तो हल्का गाढ़ा सा है अभी ये हमारा बैटर। इसमें मैंने बाकी की आधी कटोरी भी डाल दी है तो हमारा बैटर परफेक्ट बन जाएगा। इसी कटोरी से नापकर मैंने सूजी ली हुई थी। तो यहाँ पर दोबारा से इसको बढ़िया सा मिक्सी के जार में चला लेते हैं और लीजिए, दो चक्कर घुमाने के बाद मिक्सी में ये बहुत अच्छे से फिट भी जाता है कि आपको इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, हमारा स्मूथ सा बैटर बिना लम्स वाला बनकर तैयार हो गया है। कोई गुठली नहीं, कोई गांठ नहीं और फटाफट से इसमें बबल्स भी आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो गया है बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में इस बैटर को हम निकाल लेंगे। अभी ये जो जार है मिक्सी का, अगर आपको लगे कि पानी वगैरह थोड़ा कम लग रहा है, किसी किसी की सूजी ज़्यादा फूल जाती है और ज़्यादा पानी सोख लेती है, कोई सूजी कम पानी सोखती है, तो मैं जार को रख दूँगी। अगर मुझे ज़रूरत समझ में आएगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर ली है ग्रेट करके थोड़ी सी गाजर। आपके पास जो भी वेजिटेबल हैं ले सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दही, सूजी, पानी, नमक और हमारा यम्मी टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार। यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है इस तरह से कट करके और साथ में डालूँगी मैं प्याज। तो प्याज को भी मैंने महीन चॉप किया है। सभी चीज़ों को आप महीन चॉप करें क्योंकि हमारा जो नाश्ता बनकर तैयार होता है वो काफ़ी जालीदार और फ्लफी बनकर तैयार होता है, इसलिए वेजिटेबल की कटिंग थोड़ी सी महीन ही होनी चाहिए। शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर डाल दी है और अब डाल रही हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्ची। बहुत थोड़ी डाली है मैंने, कुछ मैंने सादा बनाकर तैयार किए हैं और कुछ में मैंने चिली पाउडर डाला है। तो इस तरह से मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। अब डाल रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक थोड़ा सा लाइट रखिएगा क्योंकि ये जो नाश्ता है हमारा सूजी का, इसमें नमक अगर तेज़ हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा और इसको ना सॉस के साथ खाया जाता है। बच्चे तो ऐसे भी खा लेते हैं पर थोड़ा सा सॉस के साथ खाएंगे, सॉस में भी नमक होता है। तो आप इसको बढ़िया सा इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये बैटर हमारा कितना ज़्यादा फ्लफी बनकर तैयार हुआ है और एकदम स्मूथ। तो ये कमाल होता है मिक्सी का, आप इसको मिक्सी में जब घुमा देंगे ना तो बैटर इतना ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आप चाहें तो इसको 5-10 मिनट के लिए रख भी सकते हैं ढककर, और आप चाहें तो इसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पर लिया है नॉनस्टिक पैन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ज़रा सा भी ऑयल नहीं लिया है। और ये लीजिए, मैं इसको अच्छे से और पोंछ देती हूँ ताकि इसमें किसी तरह का ऑयल वगैरह ना लगे। अब इसमें बनाएंगे हम अपना टेस्टी और यम्मी सा नाश्ता।
जो लोग डाइट वगैरह कर रहे हैं वो भी इस नाश्ते को इंजॉय कर सकते हैं और भर पेट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर इनो ले रही हूँ, तो इनो पाउडर आप कोशिश कीजिए कि आधा आधा पाउच मिक्स कीजिए। पूरा एक साथ मिक्स कर देंगे तो कुछ नाश्ता तो हमारा बहुत फ्लफी और जालीदार बनेगा, और कुछ बैटर जो नीचे का है और उसमें टाइम लग जाएगा बनने में, तो फिर वो उतना ज़्यादा फ्लफी नहीं बनेगा। तो इनो डालने के बाद उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, और ये देखिए अभी मैं यहाँ पर बैटर डाल रही हूँ। इसको हमें हल्के हाथों से इस तरह से फैलाना है, बस चमचे से आप इसको डाल दीजिए और इस तरह से छोड़ दीजिए। आँच को मैंने मीडियम किया हुआ है, इसको हम इस तरह से खुला तब तक पकाएंगे जब तक इसमें बढ़िया सी जाली नहीं आ जाती है। और ये देखिए जाली आ गई ना, जैसे ही जाली आ जाएगी 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे लिड से, और ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। इसको एक साइड ही सेकने की ज़रूरत है, दोनों तरफ नहीं सेकना है। और ये देखिए 0 ऑयल में बनकर तैयार है हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसको हर इंसान खा सकता है। आप इसको किसी बीमार आदमी को दे दीजिए, वो भी अच्छे से इंजॉय कर सकता है भर पेट। पीछे के साइड आप इसको देख सकते हैं कितना बढ़िया सा सिका है, आगे इसमें कितनी अच्छी जाली आई हुई है। और ये लीजिए बाकी के भी मैं इस तरह से सेक लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने दूसरा यहाँ पर पोर्शन डालकर और इस तरह से बना लिया है, तो यहाँ पर फटाफट से तैयार भी हो जाता है। 2 मिनट ढाई मिनट लगता है, और ये एक एक हमारा इजी और सिंपल तरीके से निकलता आता है। तो ये बनकर तैयार है टेस्टी जालीदार नाश्ता, और आप देखिए इसको इस तरह से ये फोल्ड भी हो जाता है आराम से। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, हस्बैंड के टिफ़िन में दे सकते हैं, और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये टेस्टी इजी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेसिपी आपके लिए यूज़फुल हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी और हेल्दी चीज़ सभी के पास पहुंचनी चाहिए। ये देखिए एक पीस नहीं है, आप सभी पीस को इस तरह से मोड़ कर देख सकते हैं। ये जालीदार टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार है, आप इसको चाय के साथ इंजॉय कीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में सॉस के साथ दे दीजिए, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनकर यहाँ तैयार है, और ये देखो इंजॉय करो और फैमिली फ्रेंड को शेयर करो।